इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भारत टीवी आपको दिखा रहा है। इटावा से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पीतल चोरी के मामले में 6 चोरों को किया गया गिरफ्तार। 12 तारीख की रात को चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम, पुलिस टीम को मिला 10,000 रुपए का इनाम। बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारत टीवी पर इटावा से। 12 तारीख की रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें शामिल 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीतल चोरी का ये मामला था जो कि 12 तारीख की रात को घटना घटी थी। पुलिस को यहां बड़ी सफलता मिली, 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम मिला। को थाना एक दिल में श्वेता डेरी के सामने प्रभात गुप्ता जी की एक ब्रॉस की गोदाउन है, उसमें अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 6 क्विंटल ब्रॉस चोरी कर लिया गया था, पीतल चोरी कर लिया गया था, जिसके मद्देनज़र वहां पर 139/23 457/380 अभियोग दर्ज किया गया था बनाम अज्ञात प्रभात गुप्ता जी द्वारा, जो वादी मुकदमा है। उसके प्रदेश में पुलिस और हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम एक दिल के पुलिस थाना जनपद इटावा, इसमें विशेष टीम लगाई गई थी। उसके परिदृश्य में कार्य करते हुए हमारी टीम ने 12-13 की रात में एक मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ई रिक्शा और ऑटो को कुछ व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 6 व्यक्ति मिले और 2 व्यक्ति भाग गए। जिसमें पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके जो है फिरोजाबाद में वो ले जाके बेचने वाले थे सारा ब्रास। तो 50% जो रिकवरी है 3 क्विंटल के आसपास बरामद कर लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 3 लाख के आसपास है। 6 लाख की पूरी हमारी ये पूरा ब्रास था, जिसमें 3 लाख की बरामदगी लगभग हो चुकी है। और इसके आधार पर 6 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 HS हैं, साहिल और निनिया, जो यहाँ कोतवाली शहर के और एक दिल के रहने वाले हैं। बाकी 2 मुलजिम इसे फिरोजाबाद जनपद के हैं, नूर हसन और फुरकान, जो कि कबाड़ी का कार्य करते हैं और इसको जिनके माध्यम से ये खरीदा जाना था सारा ब्रॉस, सारा पीतल। तो इसका इस प्रकार से नरेंद्र, फुरकान, नूर हसन, साहिल, निनिया उर्फ प्रभात गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मुलजिम अभी फरार हैं, जिनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार ये एक अच्छी कार्रवाई और अच्छी रिकवरी एक दिल पुलिस और एसओजी सर्विलांस द्वारा की गई है। इसके लिए मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है। निश्चित तौर से ये बधाई के पात्र हैं। थैंक यू।